हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई, उसका रीज़न ये था कि एक तो रोज़े चल रहे हैं तो बंदा थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, और दूसरी बात ये कि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था कि मैं किस चीज़ के हवाले से बात करूँ। रिसेंटली मैंने फिर अगेन क्यों नहीं किया अपने इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहले आप जाएँ तो फॉलो कर लें, आप कौन सा ज़्यादातर लेंस यूज़ करते हैं और क्यों लेंस वो यूज़ करते हैं? तो मैं जो ज़्यादातर लेंस यूज़ करता हूँ वो है नाइकन का 50mm 1.2। इतना कोई खूबसूरत लेंस है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम न्यू बिगिनर्स हैं, कोई भी देख रहा है तो वो ये वाले लेंस को अगर फाइंड आउट करता है वो बाद में शायद मुझे गालियां देगा, क्योंकि ये जो लेंस है ये है विंटेज और इसका जो फोकस है वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जब सीखते रहते हो, आपका जब हैंड प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ यार फोकस किस तरह करना है, तो फिर ही आपको ये लेंस सूट करेगा, अदरवाइज ये लेंस सूट नहीं करेगा बिल्कुल भी। एक बेसिक रीज़न ये था 50mm 1.2 लेने का, इवन दो कि मैं 85 1.4 भी ले सकता था, बट द थिंग इज अकॉर्डिंग टू वैल्यू फॉर मनी जो ये लेंस है, देखें साइज में इतना सा छोटा था, कहीं भी लेके कहीं भी जाएं, लैंडस्केप लें, पोर्ट्रेट लें, अगर वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं आप आराम से वेडिंग पिक्चर्स ले सकते हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स निकल के आती हैं इससे। इसका जो लेंस फ्लेयर होता है वो जो नेचुरल लाइट के जरिए आपको पड़ रहा होता है वो एक बड़ा एंटीक किस्म का पड़ता है, स्पेशली ये जब लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 1.2 है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। मतलब नाइट टाइम में तो ये चीता है ना, मतलब आप कहीं भी जाएं और मतलब आपका कैमरा हो और छोटा सा जो है ना ये लेंस लगा हुआ है, और दूर से बंदा यही कहेगा कि ये शायद 50mm 1.8 लगा हुआ है और ये साइज शायद उससे भी कम 51.8 है, इट्स अ लो लाइट मॉन्स्टर। तो अगर आप लोग ये वाला लेंस अगर आपके पास है 50mm, भले वो चाहे 1.8 हो, 1.4 हो या 1.2 हो, आप ज़रूर ये इसे रखें। इवन तो कि मैं जितनी भी सारी वीडियो यूज़ कर रहा होता हूँ वो सारी की सारी 51.2 से कर रहा होता हूँ, और नाइकन डीसेंट 50 मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी भी, जो वीडियो में आप मुझे देख रहे हैं तो ये भी नाइकन डीसेंट 50 ही है, क्योंकि इसके जो पर्सपेक्टिव निकलते हैं ना इट्स लाइक 35mm के 35mm से ऑब्वियसली आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एज कम्पेयर टू 35mm ये बहुत अच्छा लेंस है। आप अगर यूज़ करें 85 1.2 तो वहाँ पे आप बेजार हो जाते हो, यार मज़ा नहीं आता, तो वहाँ पे आप 51.2 यूज़ करें जस्ट ना पैसे वापस कस्ट ना। मैं तो ये बड़ा लेंस रिकमेंड करता हूँ और खुद भी मेरे माय पर्सनल फेवरेट लेंस है ये वाला। तो जो लोग बिगिनर्स हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा ये लेंस आप लाजमी रखें, भले आप 51.8 हो आप वो ले लें स्टार्टिंग में। इसमें यह कि आप अच्छी सी वीडियोस निकाल सकते हैं, काफी सिनेमैटिक शॉट्स निकल के आ जाते हैं इससे, और आधी से ज्यादा में जितनी भी वीडियोग्राफी है वो इसी लेंस से मैंने की गई है। 51.8 लेने भी जाए पाकिस्तानी 15,000 या 20,000 में मिल जाता है ब्रांड न्यू, और यूज भी मेरे ख्याल कोई 8-10,000 का मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन और कंपनी। तो आई वुड रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर 50mm 1.8 और 4 और 2 जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है लेंस के इस, अगर आपके पास ये लेंस है या लेना चाहते हैं तो इसको अंडररेटेड ना समझें, और अगर आप 85 1.8 लेना चाहते हैं वो उसका अलग सिनेरियो हो जाता है क्योंकि वो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, बट 50mm 1.8 बहुत ही फिर चीज़ है, आप ले लें मज़ा आ जाएगा। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर मस्ट फॉलो करना है।